नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वो करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार हम सोचते हैं कि हमें ये मंजिल मिल जाए, पर लेकिन वो हमें मंजिल मिल नहीं पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारी हस्तरेखाओं में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण कि हमें वो मंजिल नहीं मिल पाती? जी आइए दर्शकों, कहने का सार कि कभी कभी हमें अपने मन के मुताबिक राह नहीं मिल पाती, मन के मुताबिक हमें डगर नहीं मिल पाती। कभी कभी मंजिल की तलाश में हम इतना भटकते हैं कि हमें वो मंजिलें नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है? एक बच्चे ने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को अंजाम दिया, बहुत अच्छे से, लेकिन बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, बच्चा नहीं बन पाया। आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। और कभी कभी हम अपनी उम्मीदें बच्चों में ढूंढते हैं। कई बार दर्शकों ऐसा होता है, जो हम करना चाहते होते हैं वो जीवन में हम नहीं कर पाते, और ठीक वही उम्मीद हम अपने बच्चे से लगाते हैं कि चलो हमने वो काम नहीं किया, हमारा पुत्र हमारी पुत्री हमारे सपने को पूरा करे। आता है ना कि ये सपना पापा का है, ये सपना माता का है, ये सपना दादी का है, ये सपना काका का है, ये सपना चाचा का है। तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि कई बार हम लाख भरसक प्रयास करने के बाद भी दर्शकों अपनी मंजिल को नहीं पा पाते। काम का क्या करना चाहिए, कर रहे क्या होते हैं, जाना कहाँ चाहिए, जा कहाँ रहे होते हैं। ये भटकाव, ये उलझन, शायद आपको मालूम नहीं कि हमारी हथेली में विद्यमान ग्रह ये भटकाव, ये उलझन प्रदान करते हैं। कई बार हमारे ग्रह से विपरीत हो जाते हैं, कई बार हमारे ग्रह ऐसे हो जाते हैं कि हमारे हाथ से वो मौका छिन जाता, हमारे हाथ से वो मंजिल छिन जाती है, कोसों मील दूर चली जाती है हमारी उम्मीदों की मंजिलें। कई ऐसे योग हैं आपकी हथेली में, आज हम आपको बताएंगे, और साथ में प्रयास तो करेंगे ही कि कुछ ना कुछ आपको उपाय भी बताया जाए। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे इस बारे में, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी देवकीनंदन मिश्रा नाम है और क्या कहते हैं से बोल रहे हैं। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से? बोलिए। क्या करें, जो हमारा बिजनेस जो है तरक्की की तरफ खूब बढ़े, और दूसरा प्रश्न है मेरी मैडम की जॉब जो है सरकारी हो पाएगी नहीं, प्राइवेट में कर रही है। चलिए आपको बता देते हैं, जहाँ तक सरकारी जॉब का सवाल है, दर्शन शास्त्र के मुताबिक 60% चांस बनते हैं, 1 से 1.5 वर्ष का समय में कुछ हो सकता है, प्रयास करती रहें। रही बात कि आपका व्यापार खूब फले, आपका व्यापार खूब फूले, तो ऐसी स्थिति में दर्शकों आपके लिए बेहतरीन तोहफा है, आप भी सुन लें, आप महाअंबिका यंत्र को अपने घर में स्थापित करें। दर्शकों, ये महाअंबिका जो यंत्र है, वास्तव में ये अंबिका यंत्र व्यापार रूप से बहुत सारी चीज़ों में लाभ पहुँचाने वाला होता है। अगर हो सकता है आप अधिक लाभ के लिए अंबिका यंत्र अपने घर मंगाएं, नहीं तो एक काम आपको हम बता देते हैं, क्या कीजिएगा कि आटा और गुड़, जिसको हम मिला करके गुलगुले बनाते हैं, कुछ लोग इसको पुए भी बोलते हैं, जैसे मालपुआ इसी से बना है, तो जो पुए की आकृति होती है, गुलगुले की आकृति होती है, पंजाब में गुलगुला बोला जाता है इसको, और उत्तर प्रदेश में दिल्ली में पूड़ा पुआ बोला जाता है, तो आटे के उसके बना लें आप। और मंगलवार के दिन आप क्या करें, कुत्तों को खिलाएं, आप गाय को खिलाएं, आप पक्षी को खिलाएं, तीन क्रेचर को, तीन प्राणी को ये मालपुआ टाइप आप खिलाते रहिए। और कम से कम आप, मैंने देखा है एक व्यक्ति को, हमने एक बार ये चीज़ बताई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अब वो 5-5, 10-10 किलो की संख्या में खिलाता और परमात्मा उसको देता भी बहुत है। तो देखो, अगर हम देंगे तो हमें प्रकृति रिटर्न भी करती है, ऐसी बात नहीं है, प्रकृति कभी नहीं रखती। फलदार वृक्ष जैसे ही फलदार बनते हैं झुकने लगते हैं। तो आप क्या करें, ये क्रिया करें। और दूसरी बात
प्रतिदिन आप नवग्रह चालीसा का पाठ किया करें, बस दो चीज़ें कर लीजिएगा, चमत्कार आपको खुद ब खुद मिल जाएगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं सौरभ छत्तीसगढ़ भिलाई से बात कर रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। जी बाय प्रोफेशन मैं सर्जन हूँ और मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि मैं जितने बार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बैठता हूँ मेरा निकलता नहीं है एग्जाम, एकदम मीन्स लाइक अगर 100 मार्क्स लाना है तो 98-99 के पास आके अटक जाता हूँ। ऐसे ऑलरेडी 3-4 बार हो चुका है और इसके चलते मैं काफी डिप्रेस हो जाता हूँ, परेशानियां आने लगती है, काफी सारी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा डगमगा जाता है। बेटा सौरभ, हो रहा है 2 साल से ऐसा और जानना चाहता हूँ कि ये कब तक ऐसा चलेगा। सौरभ आप बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? जी पापा जी भी डॉक्टर हैं। पापा जी भी डॉक्टर हैं। चलिए बेटा आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से जीवन में आपको तरक्की मिल जाए और बार बार जो असफलता का मुख आपको देखना पड़ता है वो आपको ना देखना पड़े, क्या कीजिएगा, नवग्रह की अंगूठी आप धारण करें। नवग्रह की अंगूठी किसी भी दुकानदार से बनवा लें, ज्वेलर्स से, बहुत महंगी वाली ना बनवाएं, 3-4 हज़ार तक ये बन जाएगी अच्छी क्वालिटी में, बशर्ते उसको चांदी में बनवा लें और उसको रविवार के दिन अपनी रिंग फिंगर में धारण करें नवग्रह अंगूठी को। या एक काम करें, और सस्ता उपाय बता देता हूँ, नवग्रह की माला आती है बाज़ार में जिसमें 9 रंग के अलग अलग रंग के पत्थर लगे होते हैं और ये बाज़ार में 100 या 150 रुपये की मिल जाती है, क्योंकि वो पत्थर असली नहीं होते, सब्स्टिट्यूट होते हैं, उसमें हकीक होते हैं, आप वो पहनो कुछ समय के लिए। और दूसरी बात, प्रतिदिन माँ सरस्वती चालीसा का पाठ किया करें और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा करें। आप सौरभ करके तो देखो, आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी और इस बार ईश्वर ने चाहा आपको असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। वैसे दिन तारीख यहाँ जो बनती है कहीं ना कहीं 6-7 महीने लगेंगे बेटे, आप अच्छे से कामयाब हो जाओगे, आप बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाओ। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं, आप मेहनत करके तरक्की करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने आप को ये मत समझो, कभी कभी हमारे स्टूडेंट जब सफल नहीं हो पाते तो हम अपने आप को अजीब सा फील करने लगते हैं, इस प्रकार से जैसे आपने कहा बहुत बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, नाना भाती की चीज़ें सोचने लगते हैं, बिल्कुल आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी एक दिन कॉल आएगी कि आप बहुत अच्छे से कामयाब हो गए हैं जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अगर हम बात करें हस्तरेखा की, तो हस्तरेखा में ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जिनके कारण हमारी मंजिल जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाती? जी आइए दर्शकों बताते हैं क्यों आपकी मंजिलें आपसे दूर चली जाती हैं। जिस इंसान की हथेली में व्याप्त उसकी भाग्य रेखा हथेली के ठीक मध्य में ऊपर चलने वाली, अगर व्यक्ति की हथेली में विद्यमान भाग्य रेखा रुष्ट हो जाए, अर्थात बहुत छोटी सी हो, नन्ही सी भाग्य रेखा हो, या भाग्य रेखा विहीन आपकी हथेली हो, जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा नहीं होती, लक लाइन नहीं होती, या जिस व्यक्ति की हथेली में ठीक मध्य में हल्की सी लक लाइन नज़र आती हो और लक लाइन के साथ साथ इधर शनि गायब उधर आपकी हथेली के सूर्य गायब, जिसको हम रवि रेखा कहते हैं, ये रेखाएं आप ये मत समझा करें ये तो ऐसी ही बनती है, ऐसे बिगड़ जाती है, नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन इनमें होता है। हमारी बॉडी में जब कोई चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। अगर बात करें जन्म पत्रिका की, तो जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसके कारण की मंजिल हमें नहीं मिल पाती है? जी जन्म पत्रिका में भी दर्शकों कई ऐसी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर आपकी जन्म पत्रिका का दसम भाव, आपकी जन्म पत्रिका का दसम भाव वास्तव में आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ से डिसाइड होता है कि ये बालक जॉब में जाएगा
ये बच्चा बिजनेस में जाएगा या ये बच्चा क्या करेगा, वहाँ से डिसाइड होता है। और अगर ये बच्चा बिजनेस करेगा तो ये बच्चा या ये व्यक्ति किस टाइप का बिजनेस करेगा, या बहुत बड़ी बात कि इसको किस प्रकार के व्यापार में जाना चाहिए, और वहीं से डिसाइड होता है कि इसको इसकी मंजिलें किस हद तक मिल जाएंगी। कई बार तो हमने ऐसा तमाशा देखा है ग्रहों का कि व्यक्ति पिसने को पिस जाता है लेकिन उसे लाभ कभी नहीं मिल पाता। और जिनके पास जन्म पत्रिकाएँ नहीं होती, जन्म समय ठीक से मालूम नहीं होता या जन्म पत्रिकाएँ गलत बनी होती हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ की रेखाएँ दिखा करके वास्तव में अपने बारे में जान लेना चाहिए और उसका उपाय भी जान लेना चाहिए। जी शर्मा जी, भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र तीन विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक 34 यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है, साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029, 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर हमें हमारी मंजिल क्यों नहीं मिल पाती। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हस्तरेखाओं में ऐसे और कौन से योग होते हैं जिसके कारण कि हमें मनचाही मंजिल मिल नहीं पाती। देखिएगा दर्शकों, जैसे हमने आपको आपकी हथेली के बारे में समझाया कि कई बार ऐसा हो जाता है उसकी वजह से भी हमें मंजिलें नहीं मिल पाती हैं, शनि और रेखा, और हमने आपको सूर्य रेखा के बारे में बताया। ऐसे ही आपकी हथेली में एक चीज़ और होती है कि जिस व्यक्ति का ये गद्दीनुमा चंद्रमा कमज़ोर हो और जिस व्यक्ति का इस चंद्रमा के ठीक ऊपर बुध कमज़ोर हो, लिटिल फिंगर के नीचे होते हैं आपके मरकरी माउंट यानी कि बुध पर्वत, बुध ग्रह, बुध ग्रह कमज़ोर हो गए और चंद्र ग्रह कमज़ोर हो गए, तो ऐसी स्थिति में वो बालक, वो जातक, वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है अपनी मंजिल से भटकने का। ख़ास तौर से बच्चा, किसी डिप्लोमे में हम बच्चों को डाल देते हैं, किसी चीज़ में हम बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाते हैं और बच्चे कुछ दिन के बाद उस विद्या से ऊबने लग जाते हैं कि नहीं मम्मा, नहीं पापा, मुझे तो ये नहीं ये करना है। माँ बाप को मजबूर होना पड़ जाता है कि सारा बैक टू पवेलियन, कि बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए भेजा, चाहे हम अपने घर से 20 किलोमीटर भेजते हैं, 100 किलोमीटर भेजते हैं, या हम बच्चे को विदेश में भेजते हैं, बच्चा मन नहीं लगा रहा। तो ये होता है ड्यू टू चंद्र और आपका बुध। तो चंद्र और बुध की वजह से ऐसा बच्चे भटकाव में आ जाते हैं, और अंततः बच्चा को जब हम दूसरे सब्जेक्ट में भी डाइवर्ट करते हैं या दूसरी दिशा में हम बच्चे को डाइवर्ट करते हैं, वहाँ पर भी वो अपने मन को नहीं टिका पाता। और कई बार ये चीज़ें बड़ों में भी हो जाती हैं, कोई सामान खरीद कर ले आते हैं, खुद लाते हैं और खुद ही उस सामान से मन ऊब जाता है, उस चीज़ से मन भर जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को करने का प्रयास करते हैं और कुछ दिन के बाद हम उस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये भी वजह होती है हमारे चंद्र और बुध की। चंद्र और बुध डाउन होने का सीधा सीधा मतलब दर्शकों क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं जिम्मेदार बनेंगे अपनी नाकामयाबी के पीछे। कहीं ना कहीं जो मंजिल, जो स्टेज, जो स्टेशन, जो प्लेटफॉर्म आपको मिलना चाहिए था, वो आपकी वजह से आपको नहीं मिल पाया। हम दूसरों में गलती निकाल देते हैं, मम्मी ने क्या करा, पापा ने क्या कराया, हमें वक्त पे पैसे दिए होते, हमें वक्त पे ऐसा पढ़ाया होता, हम ऐसी बातें तो बहुत करने लगते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमने क्या किया, हमने कम पैसे में ज़्यादा कर करके क्यों नहीं दिखाया। ये चीज़ें हम अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं करते। कहते हैं ना, एक उंगली आपकी तरफ उठती है तो तीन उंगली इंसान खुद की तरफ उठती है, कि आप अगर एक गुनाहगार हैं तो हम ट्रिपल गुनाहगार हैं। तो दर्शकों, बहुत सारे आपकी हथेली में ऐसे योग होते हैं
जो हमारी अविद्या को जन्म देते हैं, हमारी नाकामयाबी को भी जन्म देते हैं और मंजिलें हमसे बिछड़ती चली जाती हैं। कागज़ पेन तैयार रखना, आपको बहुत सारे उपाय भी हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ प्रार्थना करेंगे, माँ भगवती से जुड़ेंगे दो मिनट के लिए, ताकि सबको सबकी मंजिलें मिलें, सबके इरादे पूर्ण हों, सबके घर में खुशियाँ आएँ। यहाँ दर्शकों में मंत्र पढ़ूँगा और आप ध्यान करें माँ अम्बे का। आइए जुड़ते हैं माँ भगवती से। ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम कात्यायिनै नमः, ओम ज्वाला देव्यै नमः, ओम चिंतपूर्ण्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा, बलादकृष्यमोहाय महामाया पृच्छति। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ॐ महागौर्यै नमः, ॐ महादेव्यै नमः। वास्तव में दर्शकों, महा अम्बिका बहुत बड़ी शक्ति हैं। हम अक्सर आपको कहते हैं दर्शकों, इस ध्यान माला से आप रोज़ जुड़ा करें, आप रोज़ जुड़ा करें। जितने ज़्यादा लोगों को आप इस ध्यान माला से जोड़ने का प्रयास करेंगे, आप देख लेना ये भी एक उपाय है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान माला से जोड़िए। आप बताइए कि इस समय ध्यान माला आती है, तकरीबन आपको पता है कि इस समय आप कार्यक्रम देख रहे होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान माला को से लोगों को जोड़ेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, आपको भी विश्वास हो जाएगा कि किस प्रकार से आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। जी शर्मा जी, अभी आपसे उपाय भी जानेंगे, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, मैं सुमित भाटिया बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। बोलिएगा पंडित जी, मेरे दो सवाल हैं। जी, पहला सवाल तो मेरी जॉब से रिलेटेड है। मेरी जॉब में स्थिरता नहीं है जी। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके, और एक चीज, दूसरी चीज, एक तो जॉब में स्थिरता नहीं है, स्थिरता कब तक आएगी? और दूसरी बात, मेरी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, ये पूछना था मुझे। आप क्या चाहते हैं? जो माँ बाप की इच्छा हो। जो मेरी इच्छा हो। देखिए बेटा, इच्छा तो आपके मम्मी पापा की है, और आप, मैं तो यही कहूँगा कि अपने मम्मी पापा की इच्छा से आप आगे बढ़ें। वैसे आप ऐसे बच्चे हैं नहीं, आप पूरा अपने मम्मी पापा का ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे। आपकी आवाज़ आज का प्रसन्न शास्त्रीय कहता है, मैं तो इतना आशीर्वाद दे सकता हूँ, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, आप खुश रहें, आपका जीवन बहुत अच्छा जाए, आप पति पत्नी जीवन में बहुत आनंद से रहें। रही बात कि आपकी जॉब में स्थिरता कब तक आएगी और कैसे आएगी, एक तो बेटा आदित्य हृदय स्तोत्र आप प्रतिदिन पढ़ा करो और माँ दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ा करो। दो चीज़ें, आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में पढ़ने, माँ भवानी माँ अम्बिका के 108 नाम प्रतिदिन पढ़ें, और 11 शनिवार कहीं भी भैरव भगवान का मंदिर हो, दिल्ली में तो बहुत भैरव भगवान के मंदिर हैं,
भैरव जी को 5 नुगदी के लड्डू, 1 मीठा पान और सरसों के तेल का दीप अर्पण कर दीजिएगा। आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। दर्शकों, समय हो चला है आपको उपाय लिखाने का। आइए उपाय लिखें कि हमें हमारी मंजिलें प्राप्त हों, हम जो चाहते हैं हमें वो मिलने लग जाए। हम क्या करें? सबसे पहली बात, दुर्गा सप्तशती में नारायणी स्तुति आती है। एक नारायणी स्तुति और एक ब्रह्म स्तुति, ब्रह्मा स्तुति जो है सबसे शुरू वाली दो स्तुतियाँ। अगर दुर्गा सप्तशती की आप प्रतिदिन करें, वैसे तो 4 स्तुति हैं दुर्गा सप्तशती में, लेकिन अगर आप 2 स्तुति भी प्रतिदिन करेंगे गजब का लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती में ही एक अमोघ मंत्र है, सावर मंत्रों का गुच्छा है, बीज मंत्रों का गुच्छा है। क्या? सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। जो व्यक्ति प्रतिदिन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ता आवाज़ करके, बोल के, मनी मन नहीं आवाज़ से, बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। और एक स्तोत्र में बता देता हूँ, पद्म पुराण में पेज नंबर 636 पर दशरथ द्वारा शनि स्तोत्र। शनि स्तोत्र तो ये पढ़ने से चमत्कार मिलेगा आपको। अंबिका की स्तुतियाँ और भगवान शनि का ये स्तोत्र अगर आप अपने जीवन में पढ़ेंगे, आपकी हथेली में लक लाइन अपने आप पैदा हो जाएगी। आपको बिलीव नहीं होगा मेरी बातों पे, आप देख लेना कि आपके हाथों में लाइनें अंकुरित होने लगेंगी, जैसे दाल में से अंकुर फूटने लगते हैं। तो आप ये करें। और एक, जब बहुत सारे नगनगीने आप पहन पहन के ऊब जाते हैं ना, तो उस समय आप बिल्व वृक्ष का जड़ पहने, गंगा जल से धोके गुलाबी धागे में पिरो करके रविवार के दिन या रवि पुष्य नक्षत्र में दाहिनी बाजू पर बांध लें और या गले में उसको पहन लें, पीतल के ढोलके में उसको डाल करके या चांदी के ढोलके में डाल करके पहने, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अक्सर सूर्य भगवान को हल्दी वाला जल हमें अर्पण करना चाहिए। जब भी हमारे सामने पीपल देवता आए, मानसिक तरीके से ओम ब्रह्म देवताय नमः एक बार बोल के निकल जाया करें। और पीपल की छांव तले कुछ पल खड़े होके जो व्यक्ति शनिवार के दिन श्री राम श्री राम श्री राम चाहे 11 बार आप पाठ करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब घर से निकला करें, सीधा पैर पहले बाहर निकाला करें और 3 बार ओम ओम मन से बोला करें। बहुत व्यक्ति कहेंगे, अरे इन छोटी छोटी बातों से क्या होता है, अरे आपने ओम बोला ना, आपने कोई बहुत बड़ी पूजा अर्चना नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन आपने 3 टाइम, आपने 3 सेकंड के लिए ओम बोला ना, आपने भगवान का नाम तो लिया। कुछ लोग तो बड़े अश्लील से गाने गाते हुए घर से बाहर निकलते हैं, आप तो ओम बोल करके घर से बाहर निकल रहे हो। तो दर्शकों, इन उपायों में से जो भी आपको पसंद लगे आप एक बार करिएगा ज़रूर, आपकी मंजिलें आपको ज़रूर मिलेंगी। और फिर कह देता हूँ चलते चलते कि अंबिका यंत्र चमत्कारिक यंत्र है। अंबिका यंत्र के अंदर ही पूरा मंत्र समाया हुआ है, सतोगुणी काल का वाला, गजब की चीज़ है। तो अंबिका यंत्र भी आपको अपने घर में रखना चाहिए, इससे भी बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी सी तरक्की करता चला जाता है। जी शिवा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंबिका यंत्र किस प्रकार से सहायता करेगा जो कि अपनी मंजिल से भटक गए हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। जब हम अंबिका यंत्र को अपने घर में स्थापित करते हैं तो अंबिका यंत्र के अंदर हम नारायणी स्तुति आपको भेजते हैं। और नारायणी स्तुति दर्शकों का सबसे कमाल की बात क्या है कि वो हिंदी में लिखी गई है, मतलब लयबद्ध तरीके से है वो पूरा। नमस्कार तुझको नारायणी तू वरदा प्रसन्न हो जा, नमस्कार तुझको कात्यायनी तू वरदा प्रसन्न हो जा। तो आप जब उसे पढ़ेंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हमने 32 नाम दिए हैं बड़े अच्छे तरीके से, और साथ में हमने ये सावर मंत्र पूरा आपके लिए लिख करके भेजा है, सत्वगुणी काल का 1 मई पूरा का पूरा सावर मंत्र है जो उस यंत्र के अंदर छिपा हुआ है। तो दर्शकों, अंबिका यंत्र तो वास्तव में चमत्कार की चीज़ है, एक बार इसको आप मंगा के ज़रूर देखें। जी दर्शकों, अगर आप भी अपने लिए अंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक 34 यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र
विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है, साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029, 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।